इस एक ईयर में इतना तो कर ही लेना है। सो गाइस, दिस ऋषिकेश शर्मा। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट व्हाट टू डू इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। यस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम फर्स्ट ईयर में हमको कितना आना चाहिए और हमको क्या क्या कर लेना चाहिए, ये जिससे हमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हमको काफ़ी मदद होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। सो विदाउट टेकिंग योर मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट, एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। सो जब स्कूल के बाद हम ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग बाहर ही जाते होंगे, जो अपने फैमिली से दूर अपने आउट ऑफ टाउन जाते होंगे पढ़ने के लिए बाहर, तो उनको सबसे पहले उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग हैं जो फिर इंडिया के अपर साइड में जाते हैं, जो साउथ में साइड में जाते हैं, तो साउथ साइड में क्या है कि वो थोड़ा हॉट एरिया है, गर्म एरिया है, तो वहाँ पर आप इडली सांभार चावल लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही वैसा है, वहाँ का वेदर ही वैसा है, इन्वायरमेंट ही वैसा है। तो आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। तो आप लोगों ने टेंथ में डार्विन्स की थ्योरी पढ़ी होगी, इसमें इन्होंने दो बातें बोली है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस एंड सेकंड इन्होंने बोला था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो आपको अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने को रहने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और अपने सर्वाइव को, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए फिट, उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। तो एक डार्विन्स की नेचुरल थ्योरी थी। तो आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा खुद को और उसके अकॉर्डिंग आपको खाना या फिर कुछ भी आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये आपका पहला पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ और आपका माइंड अच्छा रहेगा वहाँ पर तो आप स्टडी अच्छे से कर सकते हैं और आपका मन भी लगेगा किसी चीज़ को करने में। सो सेकंड पॉइंट, मेक्स लॉट्स ऑफ फ्रेंड। तो अपने स्कूल लाइफ से, मतलब आप जहाँ पे पहले थे, आप स्कूल लाइफ में थे, तो वहाँ से तो आपके फ्रेंड कहीं दूसरी जगह एडमिशन करवा लिए होंगे, कहीं और चले गए होंगे, तो आपको आप जहाँ गए हैं, आपने जहाँ एडमिशन करवाया है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले फ्रेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ का कुछ पता नहीं है, तो आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा। और फ्रेंड उन लोगों को बनाना है जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट सेम माइंडसेट के हैं, जो आपके सेम माइंडसेट के हैं, जैसे आपको स्टडी में है तो कोई और फ्रेंड है, जो कोई और लड़का है जो भी हाँ स्टडी में है, मतलब मेरे रिलेटेड है, मैं कुछ सीख रहा हूँ तो ये भी उसी में अपना टाइम देता है, इसी में वो सीखता है, तो आपको उस रिलेटेड फ्रेंड बनाना उनसे। सेकेंड, दूसरा हाई इंग्स की। आप देखते होंगे कि जब आप क्लास में, जब कोई टीचर आपको कुछ बोलता है, कुछ बोलने के लिए, तो एक दो क्लास के स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो टीचर्स के बोलते ही रिपीट और सेकंड में वो आंसर दे देते हैं। तो आप इन्हीं स्टूडेंट को आपको फ्रेंड बनाना है, आपको इनसे सीखना है, इनकी स्किल से सीखना है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, कोई अदर एक्टिविटी में अच्छा हो, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, तो आपके लेवल का, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो आपको इनके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। थर्ड, गेट कनेक्ट विथ सीनियर्स। जी हाँ, सीनियर्स फ्रेंड तो अपना काम करेंगे ही, क्योंकि वो आपके साथ है, आपको कुछ आपके साथ, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, जो अभी आपने एडमिट हुए हैं, तो फ्रेंड भी आपके साथ ही एडमिट हुए हैं, लेकिन सीनियर आपसे सीनियर है एक साल दो साल, वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के, मतलब किसको आप फ्रेंड बनाते हैं, तो आपको सीनियर एक मेजर रोल प्ले करेंगे आपके ग्रोथ में। सीनियर ही है जो जूनियर की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। आपके कॉलेज के फ्रेंड तो काम आ जाएंगे, लेकिन सीनियर फ्रेंड से भी ज़्यादा मदद करते हैं आपके, अगर आप हॉस्टल में हैं, आप कहीं भी हैं, आप टीचर आप कॉलेज में हैं, तो एक वो होता है कि हॉस्टल के वार्डन फैकल्टी लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन एक सीनियर जो है वो ऑल पॉसिबल चीज़ करते हैं एक जूनियर के लिए। तो आपको सीनियर के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, आपको उनसे बात करना पड़ेगा, यही आपको फ्यूचर के लिए गाइड करेंगे कि इस फील्ड में अपना बेस्ट दो, ये करो आगे के लिए, और इसमें अच्छा रहेगा, इस टाइप की कंपनीज आएगी, इस टाइप के, सो ऑन। तो आपको सीनियर के साथ अच्छे कनेक्शन रखने पड़ेंगे। सो थर्ड, चेंज योर एटीट्यूड। तो आप अभी तक तो आपको स्कूल में एक माइंडसेट अलग ही क्रिएट कर देते हैं कि इतना पढ़ना है, आपको इतना लेवल है, ये करना पड़ता है,
और एक आप फैमिली के अपने पेरेंट्स के अंडर में कंट्रोल में थे, तो आपका जो भी वहाँ पे एटीट्यूड डेवलप हुआ है, जो भी एटीट्यूड आपने बनाया है, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग जो आपको 4 साल जो आप इंजीनियरिंग करेंगे, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, यही आपको आगे जॉब दिलवाने में आपकी मदद करेगा। तो स्टार्टिंग इसी फर्स्ट ईयर में आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। आपने 12th में या फिर स्कूल में आपने जो भी किया होगा, उस एटीट्यूड को बनाए रखें, लेकिन एक अलग एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ, जो आपको डेवलप करे अंदर से और आपको एक फिजिकल चेंज दे। जैसे मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। फर्स्ट, आपको कम्युनिकेशन टोन या फिर कम्युनिकेशन के वेज तरीके सीखने पड़ेंगे। एसेंट आपको सीख, अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छे से आपकी पकड़ है इंग्लिश में, तो आपको इसके एसेंट चेंज करने पड़ेंगे, आपको और कुछ डेवलप करना पड़ेगा। सेकंड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो बहुत सारे कॉलेजेस में इसके लेक्चर भी लगते हैं, तो आपको इस पे फर्स्ट ईयर से ही काम करना पड़ेगा। पर्सनालिटी में आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे आपको वॉकिंग स्टाइल अपनी चेंज करनी पड़ेगी। सेकंड, आपका स्टैंडिंग पोजीशन पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, और आपके जेस्चर, आप बॉडी जेस्चर कैसे, मतलब बात करते हैं, आपका हाथ कैसा रहना चाहिए, आपके लेग कैसे रहना चाहिए। तो आपको इस पे काम करना स्टार्ट करना है, ये नहीं कि एक ही फर्स्ट ईयर में ये सब हो जाएगा, आपको बस इस पे काम करना स्टार्ट करना है। होगा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में होगा, लेकिन प्लेसमेंट तक आपको हो जाएगा, तो आपको इसमें स्टार्ट करना है। सो फोर्थ पॉइंट, पार्टिसिपेट इन कॉलेज कॉम्पिटिशन। सो कॉलेज में बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल लेवल में, उनके स्कूल उनका उतना डेवलप नहीं रहता है कि वो कुछ इवेंट करवाएं, और बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी नहीं करते, तो आपको कॉलेज लेवल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब कंपनीज आपकी प्लेसमेंट के लिए आती है, जो फोर्थ ईयर में जब आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, जब ड्राइव के लिए कंपनीज आती है, तो आपको यही पूछती है कि अदर एक्टिविटी क्या करते हो, कि पढ़ते ही तो नहीं रहते हो। एक हेल्थी माइंड के लिए और बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो आपको कॉलेज में होने वाले हर कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है। डजेंट मैटर कि आप फर्स्ट आ रहे हैं, कि आप सेकंड आ रहे हैं, या फिर लास्ट आ रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता, बस आपको पार्टिसिपेट करना है। वैसे भी जो फर्स्ट आता है उनको क्या आप सर्टिफिकेट या फिर प्राइज देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है उनका, ना तो उससे उनको जॉब मिलती है, ना फिर कुछ उनको मिलता है, बस आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। इसमें पार्टिसिपेट करने से आप फ़ायदा ये है कि आप में अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आप इसको कर जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे काम आएगा। और नहीं भी कर जाते तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ अपने कॉलेज में, और मुझे किस पर काम करना है। तो आपको हर कॉलेज इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। आप स्पोर्ट्स में करिए, जैसे कोडिंग कंपटीशन होता है, ब्रांच से रिलेटेड टेक्निकल कंपटीशन होता है, इवेंट होता है, फंक्शन होता है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करना है आपको। सो फिफ्थ पॉइंट, मेक योर CGPA हाई। सो इस फर्स्ट ईयर में जो आपके 2 सेमेस्टर रहेंगे, इसमें आपको अपना CGPA और SGPA मेंटेन करके रखना है। इसमें जितना हो सके आपको उतना हाई SGPA आपको बनाना है, जिससे आपका CGPA लास्ट तक, अपने टिल 8th सेमेस्टर तक या फिर प्लेसमेंट तक एक मेंटेन करके रहे, जिससे आप ते हैं हर कंपनी के ड्राइव में आप बैठ सकते हैं। तो आपको इसी फर्स्ट ईयर में आपको अपना CGPA हाई रखना पड़ेगा, और ये एक ही सेमेस्टर है जिसमें आप अपना CGPA अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे क्योंकि फर्स्ट ईयर ही आधा 12th का रिलेटेड रहता है, तो आपको जो पहले से आते हैं, तो उसी में आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं अपने CGPA को बढ़ाने के लिए। तो आपको फर्स्ट ईयर में अपना CGPA हाई रखना है। हाई रखने के मैं कारण बताता हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर में ही क्यों हाई रखना है। फर्स्ट तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने एक तो बता दिया कि आप आधा 12th से ही पढ़ के आते हैं, तो इसलिए आपका इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपका CGPA हाई रहेगा। सेकेंड, प्लेसमेंट ड्राइव। सो जो कंपनीज जब प्लेसमेंट के लिए आती है 7th सेमेस्टर में, तो एक अपने पैरामीटर के साथ आती है कि स्टूडेंट अगर 7.5, 6.5 या फिर 8, अभी तो कोविड की सिचुएशन में 8.0 CGPA से ऊपर को ही उस स्टूडेंट को अपने ड्राइव पर बैठने का मौका दे रही है। तो आपको अपना CGPA मेंटेन करके रखना है, बढ़ा के रखना है, कि आप हर ड्राइव वाली कंपनी में, हर कंपनी जो ड्राइव के लिए आ रही है, मैं आपको चांस मिल सके बैठने का।
तो फर्स्ट ईयर में आपको ये करना है, और फर्स्ट ईयर में सेकंड कि फर्स्ट ईयर के बाद जो स्टूडेंट अपना ब्रांच लेते हैं, जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो लेते हैं, वो सेकंड ईयर से अपने डोमेन में, अपने ब्रांच से रिलेटेड कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ओ तो फर्स्ट ईयर के बाद जब आप पाँचों सब्जेक्ट एक ही डोमेन के पढ़ेंगे और आपने 12th के पहले वो कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि इसमें अच्छा से स्कोर कर सके। और फर्स्ट ईयर के बाद आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी करनी पड़ती है, तो आप स्टडी में ध्यान दें कि प्रैक्टिकल में, जैसे आपका CGPA फ्लक्चुएट होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कम हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर के बाद इसको बढ़ा लेते हैं, तो आपको अपना CGPA फर्स्ट ईयर में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 6, नो योर इंटरेस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नॉलेज नहीं रहता है कि 12th के बाद किस ब्रांच में एडमिशन ले, किसका स्कोप है, किसकी जॉब प्रोफाइल मिलती है, किस रिलेटेड उसको जॉब मिलेगी या फिर इंटरेस्ट है कि नहीं, कि वो दूसरे को देख के अपना ब्रांच चूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप भी कन्फ्यूजन में है कि कौन सा ब्रांच आपको चूज़ कर, तो इस रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाके इसको देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर के बाद अपना ब्रांच चेंज कर लेते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं, तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर साइंस से इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस में, सिविल में अपना ब्रांच चेंज कर लेते हैं। तो आपको अपना फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद ही ये मौका मिलता है कि सेकंड ईयर में अपना ब्रांच और कॉलेज चेंज कर सकते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में अपना इंटरेस्ट पता करना है। तो आप सेकंड ईयर में किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर नहीं भी लेना चाहते हैं, तो आपको जिस सब्जेक्ट में है, जिस ब्रांच में है, उसका आपको इंटरेस्ट पता करना है कि एक पर्टिकुलर डोमेन है। जैसे कंप्यूटर साइंस में है, तो कंप्यूटर साइंस के भी एक प्रोग्रामिंग है, डेवलपर है, वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड है, तो ये आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आके पता चलेगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में सिर्फ ब्रांच से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट अपना पता करना है कि मुझे इसी ब्रांच के साथ रहना है या फिर कुछ और ब्रांच जो चूज़ करना है। तो इसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, एक तो आपकी एक मर्जी है, सेल्फ इंटरेस्ट है आपका, आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं। सेकेंड, आप सीनियर से पूछ सकते हैं या फिर फैकल्टी से पूछ सकते हैं, फैकल्टी से पूछ सकते हैं, जो भी आप ब्रांच में जाना चाहते हैं तो उनकी फैकल्टी से पूछ सकते हैं कि सर अगर मैं ये ब्रांच लेता हूँ तो मुझे इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो आप किसी और सीनियर से, आप एक्सपीरियंस बंदे से आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट और जानने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जो मैंने फर्स्ट ईयर के बाद जो मैंने अपनाया था। तो उसमें आपको क्या करना है, अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बस सेकेंड ईयर थर्ड, तो आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आप जो भी ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है, मतलब इसमें जा रहे हैं, इसमें जाना सोच रहे हैं जाने के लिए, तो आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के 4 सेमेस्टर, 3rd 4th 5th 6th, 4 सेमेस्टर को आपको सब्जेक्ट देखने हैं कि मुझे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस किस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, क्या क्या प्रैक्टिकल करना है। आपको उससे एक इंटरेस्ट आ जाएगा कि हाँ मैं ये सीखने वाला हूँ, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या AC हो, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड नॉलेज हो जाए कि हाँ मैं मुझे ये पढ़ना है 2 सालों में, और हाँ मैं ये कर सकता हूँ या फिर ये नहीं कर सकता हूँ। तो आपको ये भी, ये ट्रिक मैंने अपना सेकेंड ईयर में अपनाया था, जो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था ब्रांच चेंज के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेक प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आपको हर ईयर वाइज होता है, तो जो हर इवन सेमेस्टर होते हैं 2 4 6, तो इसमें आप इवन सेमेस्टर के एग्जाम होने के बाद आपको हर नेक्स्ट ईयर का आपको प्लान बना के रखना है। ये नहीं कि मुझे ये करना है, बस इस एक ईयर में, इस जो नेक्स्ट ईयर आने वाला, जैसे सेकेंड ईयर मुझे आने वाला है, तो इस सेकेंड ईयर मुझे ये सब तो नहीं, मतलब इतना तो कर ही लेना है, आपको बस ये प्लान बनाना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो प्लान बनाया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने प्लान कैसे बनाया था। तो फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकंड ईयर में इंटर करते हो, तो आपको ऐसे पूरे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के ही रहेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का। तो आप उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आपको क्या करना है, ये आपको इसमें पता चल जाएगा, सब्जेक्ट जो आप देख लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आपको इतना कुछ तो करना है, जैसे मुझे कि वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, कुछ भी हो, C++, जावा, कुछ भी हो एक तो सीखनी है, और वो भी कोर टू एडवांस सीखनी है आपको, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी है। सेकंड, आपको दूसरे आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे, और इस 4 साल के कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं, 4 5 सब्जेक्ट इससे कंपनी में पूछा जाता है और इसकी ज़रूरत भी रहती है, तो इस पर मैं वीडियो, दूसरा वीडियो मैं इस पर बना दूंगा। तो आपको सिर्फ उन सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है, आपको पता करना है, तो आपको उन सब्जेक्ट में अपना मास्टरी हासिल करनी है, मतलब उनको आपको समझना है, उनके प्रोग्राम डेवलप करने हैं, उनके प्रैक्टिकल करने हैं, उनके सबके
सब कुछ आपको करना है। तो आपको ये प्लान बना के चलना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या सेकंड ईयर में करना है। और ये प्लान ये नहीं कि आप टाइम बना के इतने मंथ तक, ये सब एक ईयर में मुझे इतना कुछ करना है बस। और अगर आपके मन में कोई और पॉइंट होगा जो मेरे से छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सी, हैव अ गुड डे।